मैंने लास्ट क्लास में आपको इसमें से बताए थे ये ट्रांजेक्शन वगैरह बताए थे, है ना। तो ये पेज ट्रांजेक्शन जो होते हैं बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, पिक्चर के या तो स्टार्टिंग में या एंड में, ठीक है। तो ये तो जनरली बस बेसिकली इफेक्ट्स वगैरह हैं। तो आप ये सिंपल हाँ इरेजर से कट करोगे तो हो सकता है, जैसे मान लो ये है इमेज आपकी, हाँ ठीक है। अभी अगर मैं कोई भी लाता हूँ इसमें तो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे बीच में कहीं पे डालना है तो सिंपल आप इरेजर से कट करो, देन इफेक्ट लो और ड्रैग करो सिंपल, तो वो वहाँ भी आ जाएगा। हाँ इस तरीके से इसमें आ रहा है, इसमें अल्फा टाइप में आ रहा है। अब ये यहाँ पे जो है ना, अभी इसमें इफेक्ट पता नहीं चल रहा, तो जो इफेक्ट अगर आप डायरेक्टली डालो और यहाँ पे शो ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस क्लिप को ऊपर रखना पड़ेगा ड्रैग करके अलग से पार्ट में, और फिर हम उसको ड्रैग करेंगे तो ये इफेक्ट काम करेगा। ये देखो, ठीक है, यानी ध्यान रखना कोई अगर आप इफेक्ट यहाँ से डाल रहे हो, जैसे एक तो मैंने वाइप वाला अभी जो बताया वाइप वाला, प्लस एक और पहले बताया था ये लिरीज वाले इफेक्ट, लिरीज वाले भी क्या होगा अगर सिंपली आप कट करके यहाँ पे इस इफेक्ट को डालते हो तो नॉर्मली इतना नहीं पता चलेगा, वो उसी में हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप में करेगा, लेकिन एक्चुअल में ये इफेक्ट है नहीं इसका। एक्चुअल में जो इसका इफेक्ट है वो है इस तरीके से, अगर मैं इसको ऊपर ट्रैक करूँ ना, यहाँ से मैंने बॉक्स ट्रैक किया तो अब ये बॉक्स के शेप में बन के आएगा ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नहीं पता लग पा रहा बिकॉज हो रहा है लेकिन डार्क सीन है, थोड़ा लाइट सीन को लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ मैंने कट किया और लिरीज बॉक्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी डायरेक्टली वो अप्लाई नहीं होगा बिकॉज वो उसी ट्रैक पे है, तो उसको अलग से ट्रैक पे रखना देन अप्लाई करना। तो अब अगर देखेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये आप सभी यूज़ कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पेज पील वाले देखे थे अपने, पेज पील वाले इफेक्ट के ट्राई किए, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, यूज़फुल हैं। जैसे तो यहाँ से हमने सिंपली रख दिया और पेज पीले, ये नॉर्मली आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें क्या है कुछ इस तरीके से आएगा ये बीच में से रख दिया, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है पीछे इमेज है, और अगर इसी चीज़ को मैं अलग से रख दूँ और फिर ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, ये अब इस तरीके से आएगा, देख लो, यानी एक्चुअल में इस तरीके से इफेक्ट होना चाहिए। तो ये इस तरीके से अब आएगा, यानी ऐसा इफेक्ट होता है ना, अगर मैं नीचे रख के फिर यूज़ करूँगा तो ऐसा, हाँ अब इसमें अब ठीक हो गया ये, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो ड्रैग करने के बाद वापस उसको नीचे रख दो, ठीक है, इधर से इस पर डाला नहीं मैंने कोई बात, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ, मान लो मैंने इस बार पेज फील लिया, ठीक है, तो अभी ऐसे आ रहा है, देखिए पहले भी दिख रहा है, एक्चुअल पहले नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो इसको मैं उठा के ऊपर रखता हूँ तो अब कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने वापस से पेज फील लिया और यहाँ ड्रैग कर दिया तो अभी ठीक आ रहा है, है ना। हाँ अब नीचे रखते हैं, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा इसमें ऊपर ड्रैग। वैसे पुराने वर्जन में ऐसा नहीं होता था, जो CS3 था उसमें डायरेक्टली आ जाता था, नीचे करने पे भी नहीं आता था, मतलब ऊपर ही रखना पड़ता था, ठीक है। अभी 5 से इन्होंने ऐड कर दिया कि मतलब नीचे करेंगे तो वो वापस से आ जाए, इसलिए रहता ना हमें कभी सारे ट्रैक नहीं लेने पड़ते थे, नहीं तो बहुत सारे ट्रैक लेने पड़ते थे, अभी नीचे करके वापस एक ही ट्रैक में आ गया, ठीक है। फिर ये सिंपल पेज टर्न है, इसमें कैसा पेज टर्न होगा कुछ इस तरीके से, इसमें स्लाइड कह सकते हैं, स्लाइड टाइप में आ रहा है, पील बैक में सिंपल इसमें कुछ इस, यानी इसमें चारों साइड से एक ही करके होंगे, तो इसको मैं अलग से रखता हूँ और पील बैक लिया ना अप्लाई, तो ये इस तरीके से है ना, चारों साइड से पील हो रहे हैं बेसिकली, फोर पीस में डिवाइड हो गया, फिर थोड़ा इधर से तो इधर से फील हुआ एंड इधर से, ठीक है। फिर रोल अवे लेते हैं, इसी को हटा के रोल में पूरा रोल होगा ऐसे, ये रोल
का मैं सीख सकते स्लाइड टाइप कह सकते हो, स्लाइड हो रहा है बेसिकली मासिंग टाइप में, ठीक है। अब इसके भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसा कि आप दिखा सकते हो नीचे आओ, ठीक है, रिवर्स कर देंगे ऐसा भी, इस साइड से हम है मुझे साइड से चाहिए तब इस साइड से आएगा ये, ठीक है। शो एक्चुअल सोर्स, तो एक्चुअल में यानी स्टार्टिंग में कितना रखना आपको वो, जैसे शो एक्चुअल में ये रहेगा एक्चुअल में, जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है ऑफ कर दोगे तो ए बी में दिख रहा है, यानी कितना पहले दिखना चाहिए ये चीज़, और उसको एक्चुअल कर देंगे तो यहीं पे शो हो जाएगा इफेक्ट, यानी आपको स्टार्टिंग बिल्कुल गायब से रखना है या थोड़ा पहले दिखें, ठीक है। और फिर वही है पूरा 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 शो होना चाहिए या कुछ ही शो होना चाहिए, तो खैर पूरा ही रहेगा। स्टार्टिंग आप दिखा सकते हो तो कहाँ से स्टार्ट करना है इफेक्ट को, बिल्कुल स्टार्टिंग से इफेक्ट करना है या पहले ही वो आधा रहे, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी ड्यूरेशन वही है कि जो ट्रांजेक्शन आ रहा है वो कितने ड्यूरेशन में हो, बाकी स्टार्ट भी सेट कर सकते हो कितने फ्रेम से कितने फ्रेम तक वो चले, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है एक तरह के ट्रांजेक्शन, तो काफ़ी अच्छे ट्रांजेक्शन है ये, आप सिंपली यूज़ करके देख लेना। एक और जैसे वाइप वाले हैं, ये भी सिंपल आपको ऐसे ट्रैक करने पड़ेंगे, जैसे मैंने लिया मान लो पैन वाइप में कैसा आएगा इस टाइप में है ये, ठीक है, ये भी काफ़ी यूज़ होता है बार टोन्स में, ये ऐसा है ये सही, दोनों साइड से स्लाइड हो रहा है बीच में से दोनों लेफ्ट एंड राइट, क्रैकर वाइप में कुछ इस साइड से में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन हैं ये, आपने ध्यान से ट्राई करने हैं। ज़िगज़ैग ब्लॉक, ज़िगज़ैग ब्लॉक लिया एंड ये ट्रैक किया, तो अलग रैंडमली पहले ऐसे कुछ भी आने लगेगा, ठीक है। एक और मेरा फेवरेट यहाँ पर जूम इफेक्ट, तो यहाँ पर क्रॉस जूम लेते हैं और ये अप्लाई किया तो सिंपल ये इस तरीके से आएगा, यानी बड़े से पहले बड़ा हो जाएगा फिर एकदम से छोटा आ जाएगा, ये देखते हैं ये, ठीक है, जूम लेते हैं सिंपल, ये इस जूम में क्या रहेगा इसमें छोटे से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम बना भी सकते हैं, है ना, जूम बॉक्सेस अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में जूम हो गए ऐसे, और जूम ट्रेल इसमें एकदम से वो हाँ हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ये इस टाइप का जूम होगा, ये दो पहले बड़े में फिर छोटे में। अब एक चीज़ हो देखो ये इफेक्ट यहाँ अच्छे से दिखने पूरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया थोड़ी देर के लिए, तो ये जो हल्का फुल्का जर्ग आता है ना ये रेंडर करने के लिए बताया था मैंने अभी, जैसे यहाँ पे रेड आ रहा है, जब भी आप फाइनल आउटपुट निकालोगे तो हमेशा क्या करना है पहले एंटर करना है उसके बाद वीडियो जनरेट करनी है, गुड इवनिंग। अदरवाइज़ क्या रहेगा कि वही है कि फाइनल रेंडर करने पे थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं मूवमेंट वगैरह नहीं आएगा, हल्का सा ब्लैंक हो जाएगा या इफेक्ट सही से नहीं चलेगा, तो इसलिए हमेशा रेंडर करना भी ज़रूरी है आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सभी एक तरह के ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, ओके। तो ये आप और इनको बेसिकली किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, मैं लास्ट क्लास में बताया था याद है, किस सिचुएशन में आपको यूज़ करना है, ऐसे नहीं कहीं भी डाल देना है, हाँ यानी जब सीन चेंज करते हैं बेसिकली, है ना, स्क्रीन कह सकते हो या सीन, एक सीन से जब दूसरे सीन में एंटर करते हैं, जैसे शूटिंग वगैरह करोगे आप खुद ही मान लो मोबाइल में कोई शूट कर रहे हो, अब पूरे एक घंटे की कोई बनाने तो एक ही घंटे में कंटिन्यू शूट तो कर नहीं पाओगे, हमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे शूट करते, छोटे छोटे क्लिप्स बनेंगे, तो वही है अगर एक ही पार्ट एक हमने शॉट ख़त्म किया फिर जब सेकंड शॉट में आते हैं तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन डाल देते हैं, अब अल्फा वाला डाल दो, जूम वाला डाल दो, हाँ जूम वाला डाल दो, ट्रांसपेरेंसी वाला डाल दिया, मूविंग वाला डाल दिया, रोटेशन वाला डाल दिया, कुछ भी आप सिंपली डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके सिंपल वीडियो ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं वीडियो इफेक्ट्स, ठीक है, तो मैं इसको वापस से अंडू करता हूँ, इसको डिलीट करके ही मैं नया ले लेता हूँ। तो एक बार में अगर मान लो मुझे पूरी वीडियो सेलेक्ट करनी है, तो एक तो सिलेक्शन टूल है, इससे क्या होगा एक एक बार में एक एक क्लिप सेलेक्ट होगी, अगर मैं चाहता हूँ सारे क्लिप सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास आता है ट्रैक सेलेक्ट टूल, शॉर्टकट की इसकी ए, ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी सेलेक्ट हो जाएंगी लेकिन एक ट्रैक वाली, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका यूज़ क्या है, देखो जैसे कई बार क्या होता है जब हम अलग अलग क्लिप्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, अब मान लो मैंने इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दिया, इसको थोड़ा आगे मूव कर दिया, इसको अलग से किधर रख दिया, किसको किधर ऐसे रख दिया, गुड इवनिंग। अब मैं चाहता हूँ मुझे सपोज मैंने यहाँ से कुछ पार्ट कट करके निकाल दिया यहाँ से,
ऑप्शन पर उसको सेलेक्ट किया डिलीट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये सारे पार्ट एक बार में इधर लेके आने हैं। ठीक है, इनको एक ही पे रख लेते हैं चाहे तो ऐसे ऐसे। अब मुझे सारे टैग एक बार में लेके आने हैं, तो आप सीधा यहाँ से ट्रैक सेलेक्टर यूज़ करो, इसको आगे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जितना पार्ट आपको कट करना था, जो भी कटिंग वटिंग करनी थी आपने, सपोज वो कटिंग कर दी, मूव कर दिया, इसको डिलीट किया। अब मैनुअली करके लेके आएंगे, तो मैंने यहाँ पर गैप रखा, फिर इसको मूव किया, तो बाकियों को ऐसे गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा ट्रैक सेलेक्ट में कि पीछे वाले भी ऑटोमेटिकली आगे आते रहेंगे। ये किया, अब जितने भी पीछे हैं वो सब ऑटोमेटिकली आगे आते रहेंगे। तो यहाँ से कट के बार बार आपको ज़्यादा स्क्रॉल डाउन ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रैक सेलेक्टर भी काफ़ी आपका हेल्प करेगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ से एक बार में सेलेक्ट किया डिलीट, तो सब डिलीट हो गए। लेकिन अगर अलग ट्रैक पे होता तो वो सेलेक्ट नहीं हो, जैसे अभी सेकंड ट्रैक पे था तो ये नहीं हुआ, बट मैं जैसे सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा तो उस सेकंड वाले पे जितने होंगे अब वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो छोटा किया एंड डिलीट। नाउ मैंने यहाँ से ये ले लिया दिस वन, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लैक पार्ट ही है, थोड़ी देर ही लगा दूँगा। जैसे इतना पार्ट है तो आप बता सकते हो इतना। ठीक है, अब वीडियो इफेक्ट देखते हैं। वीडियो इफेक्ट क्या होते हैं, ये हम पूरी क्लिप पे डालते हैं। जैसे मान लो कोई हमने फोटोशूट किया था, वो बिल्कुल डार्क है, मतलब उसमें ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी कम है, अब मुझे उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, उस क्लिप का पूरा कलर चेंज करना है, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट डालना है, मिरर इफेक्ट डालना है, नॉइज इफेक्ट डालना है, इस टाइप के कुछ इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं वो, लेकिन हम चाहते हैं पूरी वीडियो पे रहें जब तक वो क्लिप है। अगर 2 मिनट की क्लिप है तो पूरे 2 मिनट तक रहे, 5 मिनट की क्लिप है तो 5 मिनट तक रहे। ठीक है, तो जहाँ तक वो क्लिप रहेगी पूरा वहाँ तक वो इफेक्ट अप्लाई रहता है, कौन सा वाला, वीडियो इफेक्ट। बट वीडियो ट्रांजेक्शन क्या होता है, वो सिर्फ क्लिप के स्टार्टिंग में या एंड में विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड तक होता है, वो जितना हम डिफाइन करना चाहें उतना सेकेंड डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे इतने पार्ट पे, या मान लो अगर मुझे पूरे पे ही अप्लाई करना, पूरी वीडियो पे ही, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो इफेक्ट पे गया। ठीक है, ये इफेक्ट में आएगा, इफेक्ट ना आए तो विंडो सेक्शन में आपको इफेक्ट मिल जाएगा, शॉर्टकट की है Shift F7। तो यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे गए, अब यहाँ पे क्या क्या एडजस्ट है, पहले एडजस्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक एक करके बताऊँगा ध्यान से, क्योंकि इसमें ऑप्शन बताने पड़ेंगे, तो चेक मत करना, मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा। तो एडजस्ट में पहले क्या है, कलर एडजस्टमेंट है। ठीक है, कलर से रिलेटेड इसमें सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने लिया ऑटो कलर, अभी मैं ऑटो कलर डालूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। जैसे फोटोशॉप में भी है ना, ये एक तरह का वो है, फोटोशॉप में जो हमारा वो ना इमेज एडजस्टमेंट, एक तरह का समझ लो ये है पूरा सेक्शन, बट वो जो फोटोशॉप वाला वो सिर्फ फोटोज़ में अप्लाई करेगा, ये वीडियोज़ में काम करेगा। ठीक है, तो उसमें भी ऑटो होते थे, वो ऑटोमेटिकली कई बार हम कोई शूट किया वो बहुत मतलब डल कलर है, उसमें फेडेड कलर है, तो आप जैसे ही ऑटो कलर डालोगे तो वो अपने आप कलर हल्का सा ऐड कर देगा, बट अगर हमें अपने अकॉर्डिंगली कलर ऐड करना है तो नीचे ऑप्शन आएंगे, वो बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो इसमें इतना इफेक्ट नहीं, किसी किसी सीन में पता लगेगा, किसी में पता नहीं चलेगा। ऑटो कंट्रास्ट डाला, हल्का सा इफेक्ट पड़ा, लिटिल बिट। अब ध्यान से देखो, अंडू कर रहा हूँ मैं, डल हुआ, वापस से रीडू करो, रीडू है, कंट्रोल सिफ्ट जेड। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली रहेंगे, ऑटोमेटिक ऐसे लेवल है। फिर एक है हमारे पास मेन, इसमें कन्वेंसुलेशन कर्नल, इसमें क्या रहेगा, हल्का सा ब्लर टाइप का हो जाएगा, जैसे कुछ इमेज बहुत ज़्यादा शार्प है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि अच्छे से पता नज़र आए। ये देखो, जैसे इसका फेस देखना, इफेक्ट अगर हमें हटाना हो या इफेक्ट में कुछ चेंजेस करना हो तो वो आप इफेक्ट कंट्रोलर में जाओ, और जितने भी इफेक्ट डालते रहोगे सब यहाँ ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने इस पर ऑटो कलर डाला था, डिलीट, इसको भी डिलीट, कंट्रास्ट भी डिलीट, और जितने भी डालोगे वो इस पर ऐड रहेगा। तो ये कर्नल सेक्शन, इसको भी हटाता हूँ, तो ये देखो हल्का सा जो नॉइज़ को होता है उसको ब्लर करने के लिए होता है, कन्वोलेशन कर्नल, हाँ यहाँ डाल दो, देख रहा हल्का सा फेडेड वाला, दोबारा ध्यान से देखना भी इसके फेस को, अब दोबारा मैं डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना फेस को ना, एक बार दोबारा देखो आप, अभी ऐसे हैं। ठीक है, इसको फेस के पार्ट को देखना, हाँ जरा सा होता है, नजर है नहीं,
चलो आप पास में करना, अभी सारी स्क्रीन भी नहीं है ना, हल्का सा ब्लर हुआ। बाकी हम ज़्यादा करना है तो उसके और भी ऑप्शन आएंगे, पूरा ब्लर करना हो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ इसके सेटिंग्स हैं और आपको ज़्यादा करना इसमें जैसे अभी याद आएगा इसमें ब्लर एंड वाइटनेस टाइप का, ऐसे इफेक्ट दिखाना उस टाइप का। एम टू में इधर से हो रहा है, एम थर्टीन में वही हो गया ये, ठीक है, एम ट्वेंटी टू में ऐसा हो गया, इस तरीके से इफेक्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये सारे अलग अलग हैं। हटाना हो सिंपल डिलीट। फिर है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में क्या होगा ब्लैक एंड वाइट टाइप में, ठीक है, ये भी आप लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे इफेक्ट एनिमेट होते हुए भी दिखा सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें ब्लैक इनपुट बढ़ रहा है, इसमें वाइट का इनपुट बढ़ेगा, इसमें यह कम होगा, सॉफ्टनेस में पूरा ओवर सॉफ्ट होगा ये ब्लैक एंड वाइट, कुछ सॉफ्टनेस इतना ये शार्प ऐसे रखना है ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी देखो ना जैसे ये क्या हो रहा है, जानिए पूरी मतलब यूज़ करेंगे भी नहीं, हमें कुछ कुछ सेकंड्स के लिए कुछ फ्रेम के लिए दिखाना पड़ेगा, हाँ वो हम करेंगे, हाँ वो बताऊंगा, बट अभी नहीं, ऐसे भी नहीं, वो भी करना करना, बट इसको टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे क्या होगा अभी पूरी वीडियो पे आ गया इफेक्ट, बट मैं चाहता हूँ कि सपोज पहले इसको हटाता हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जैसे जब ये आता है अंदर से शाहरुख खान तो ये इफेक्ट एनिमेशन आए, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो को अलग करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैं इफेक्ट डालूंगा चेंजेस करूंगा तो पूरी क्लिप पे हो जाएगा, तो हमें वो क्लिप अलग बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, कैसे वो बताऊंगा आपको। पहले हम इसमें और इफेक्ट देख लेते हैं, फिर लेवल है ये पूरा लेवल ओवरऑल आपका बढ़ाएगा। अब वो ये आरजीबी का कलर कितना रखना है आपको इसमें, ये वैल्यू बढ़ाने में एक्चुअली कम हो रहा है, कम करने में इसमें बढ़ेगा वो कलर। वाइट टोन कम करना हो मतलब ऐड करना हो, कम करने पर वही है, इसमें रिवर्स हो रहा है, कम करने पर ऐड हो रहा है अभी, ठीक है, बढ़ाने पर उसमें वाइट कलर हट जा रहा है। फिर ऐसे ही ब्लैक आरजीबी ब्लैक ऐसे फेड सा हो रहा है, दिखाना हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे वापस आ गया, ये सब ऐसे एनिमेटेड कलर दिखा सकते हैं। गामा कलर, ठीक है, जैसे फोटोशॉप में लेवल है वही सारी चीज़ें यहाँ पे, उसकी सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे ये है आपका रेड शेड, ये तो तीनों शेड हैं, यानी तीनों जैसे इन इसके अंदर जो वीडियोज़ में कलर बनते हैं वो रेड आरजीबी से बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये तो तीनों कलर पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे सबसे रेड रेड कलर पे इफेक्ट करना है, यानी रेड में से ब्लैक कलर हटाना है, रेड में से वाइट कलर हटाना है, रेड में से ब्लैक, और एक आपका आता है ये आउट, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, फिर गामा हटाना हो रेड कलर का सीट, रेड कलर में से गामा हट गया और रेड कलर ऐड करना है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली एक एक कलर भी आप ऐड कर सकते हो, इसको भी डिलीट करते हैं। और ऐसे नहीं सिर्फ एक बार में एक ही रहेगा, आपने इसे लेवल भी डाल दिया साथ साथ, और कुछ भी डाल सकते हो, एक्स्ट्रा भी डाल दिया, ठीक है, तो वो सब यहाँ ऐड होते रहेंगे जितने भी आप इफेक्ट्स वगैरह हाँ ऐड करते रहोगे कलर करेक्शन, बट ये वीडियो में, ठीक है। फिर लाइटिंग इफेक्ट देना हो आपको, जैसे शेडो टाइप की लाइट आ जाती है, पर्टिकुलर एक साइड से लाइट पड़ रही है फोटोशॉप में, ये फिल्टर्स में लाइटिंग इफेक्ट है ना, तो ये वाला लाइटिंग। अब इसमें एक बार में हम फाइव लाइट ऐड कर सकते हैं, अभी सिर्फ वन लाइट ऐड हुई है, और वो भी स्पॉट है, लाइट की भी इसके तीन कैटेगरी हैं, डायरेक्शनल वो, और एक डायरेक्शन साइड से आएगी, मैं छोटा करता हूँ, फिट करते हैं, तो लाइट तो मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसकी सेंटर पोजीशन चेंज करते हैं, प्रोजेक्शन भी कम करते हैं थोड़ा सा, ये एंगल इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, ये लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट कितना रखना है, और ये सेंटर उसकी पोजीशन है, दूसरा लेता हूँ मैं, ओमनी ऑल साइड करेगी यानी चारों साइड से वो स्प्रेड करेगी, कितना रेडियस रखना है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है, और अगर मैं इतना स्पॉट एक साइड से आएगा, ये जैसे कोई चीज़ स्पॉट दिखाना फोकस किसी एक पर्सन पे दिखाना, तो उसके लिए मेजर रेडियस सेंटर, हाँ ये इसकी पोजिशन है, किधर रखना है आपको, ऐसे में एनिमेट होकर भी दिखा सकते हैं करेक्टर के साथ साथ, जैसे करेक्टर इधर से ऐसे मूव हो रहा है उसके साथ है, उसको भी ऐसे एनिमेट कर दिया लाइट को, ठीक है। तो लाइट का एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स एक्सिस हो गया, उन दोनों में कम पता चल रहा है, मेजर रेडियस कम करते हैं इसको, अच्छा ये यानी ऊपर से कितना रखना है आपको, नीचे तक रखना है या ऊपर, मिनिमम इतना रहेगा, 100 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। माइनर रेडियस यानी इसका स्प्रेड फैलाना हो,
जो लाइट की डायरेक्शन होती है, जैसे वो अरे हाँ कितना ज़्यादा वो फैलाना है वो चीज़ आपकी, तो माइनर रेडियस बताया कितना रखना है, कम रखना है वो चीज़, जैसे पीसी पे रखना है तो एंगल चेंज करना हो, ठीक है, मतलब 360 ऐसे फेस घूमेगा किस तरीके से रखना आपका एंगल, फिर लाइट की इंटेंसिटी वगैरह कितनी रखनी है वो सब चीज़, फोकस नहीं हो जाएगा आपका आगे तक थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है, यानी सॉफ्टनेस टाइप का कह सकते हैं कि सॉफ्ट हो रहा है कम करने के, ज़्यादा करेंगे तो शार्प हो गया, यानी शार्पनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। तो अभी सिर्फ एक ही लाइट है, तो जैसे मैंने एक लाइट मान लो यहाँ रख दी, अब एक लाइट मुझे यहाँ दिखानी है, ठीक है, तो मैंने अब वापस, और हम लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ये वाइट कलर है, मुझे मान लो रेड कलर चाहिए तो रेड कलर की लाइट आएगी पीछे, मतलब बिल्कुल प्योर रेड नहीं आएगा, वो पीछे मिक्सअप सा हो जाता है, ठीक है, येलो कलर की दिखानी है येलो कलर की लाइट दिखा दी, ठीक है, इधर मैंने डिफरेंट कलर की दिखा दी, तो लाइट वन था, नाउ लाइट टू पे गई, अभी लाइट टू में कुछ नहीं है, तो ये भी मैंने स्पॉट लाइट ले लिया, ठीक है, स्पॉट, ठीक है, और मेजर रेडियस कम, ठीक है, इसका एंगल चेंज इधर तो नीचे ये, और थोड़ा सा इस तरह एंड एंगल चेंज है ना, इस तरफ इसका सॉफ्टनेस थोड़ा कम कर, जैसे इसका सॉफ्टनेस कम है तो फोकस से कम बढ़ा दो इसको, ठीक है, बाकी मेजर रेडियस जैसे भी रखना आपको, इंटेंसिटी ज़्यादा कम, तो ऐसे आप मल्टीपल लाइट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अब ये पूरी वीडियो पे रहेगी, ठीक है, तो ये है प्री कैंप, इसमें देखते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ, डिलीट, फिर प्री कैंप लिया, इसको अप्लाई कर दिया, प्री कैंप में लगभग आपके जैसे ह्यू सैचुरेशन होता था उस तरीके से, यानी ह्यू भी है, सैचुरेशन, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, बेस्ट है प्री कैंप यूज़ करना आपको ज़्यादातर, जैसे तीन वाले, तो वही है पूरी इमेज की हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है ब्राइटनेस, किसी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से कम कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरी क्लिप में हो जाएगा, फिर ऐसे ही कंट्रास्ट लेवल बढ़ाना है, ठीक है, करेंगे वो, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो चीज़ है ह्यू यानी कलर चेंज होते हुए दिखाना, ये इस तरीके से पूरा ये रहेगा, ठीक है, अभी इसमें रहेगा, तो ये चीज़ है सैचुरेशन, वही कलर की वजह से ब्लैक एंड वाइट दिखाना है, सैचुरेशन कर दिया तो इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गई, वीडियो ब्लैक एंड वाइट चलेगी अभी, ठीक है, सैचुरेशन बढ़ा देंगे वापस से हो जाएगा, तो मैक्सिमम सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा फिर, ठीक है, तो मिनिमम रखो 100, और ज़्यादा तो और कम कर सकते हैं 50 नहीं 100, ठीक है, ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन कर देंगे तो वो हाफ पोर्शन पे आएगी फिर, अब जैसे मैं सैचुरेशन बढ़ाता हूँ स्प्लिट टाइप में लगी ना, यहाँ बीच में एक शार्पनेस ही आ गई है, टू टाइप में स्प्लिट हो गया, फिर स्प्लिट परसेंटेज कितनी ज़्यादा हो, कितना स्प्लिट दिखाना है, इसको भी ऐसे एनिमेट होते हुए दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एनिमेट होती रहे लाइक दिस, तो ये चीज़ इसको फिलहाल कट कर दिया, ठीक है। फिर एक आता है शेडो, मैडम से मांग लो, फिर एक आते हैं यहाँ पे शेडो एंड हाईलाइट, तो मैंने ये डाला, अब इसमें शेडो और हाईलाइट क्या होता है, यू नो शेडो एंड हाईलाइट फोटोशॉप में पढ़ा होगा, उसमें भी होता है, जो शेडो वाली जो पार्ट होती है ना, हाँ, यानी जो डार्क पार्ट होता है, ठीक है, हाँ, जैसे जनरली फोटोज़ वगैरह में हमारी आँखों के नीचे डार्कनेस होता है, हेयर्स के नीचे डार्क होता है, तो वो शेडो पार्ट होता है, तो उस ऐसे वीडियो में कई चीज़ कोई शेडो है तो उसका आपने टेम्परेचर बढ़ाना, तो ये जैसे शेडो है दोनों ही है, इसमें ऑटो अमाउंट का दोनों में एक साथ होगा, ठीक है, और हाँ अलग अलग करना है, तो शेडो में सिर्फ आपको बढ़ानी है, शेडो जो डार्क एरिया वो और ज़्यादा लाइट हो रहा है कम करना हो, हाईलाइट जहाँ पर ज़्यादा लाइट जिसके पास लाइट होती है वहाँ आस पास ज़्यादा हाईलाइट कर दो, उसको ज़्यादा हाईलाइट और उसको कम कर दो, कम है बढ़ा दो, तो वो चीज़ है, हाँ हाँ कलर एडजस्टमेंट है पूरी करोगे, ठीक है, तो ये आपके पूरे इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि अभी इफ़ेक्ट पूरी क्लिप में आ रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे कुछ पार्ट में चाहिए, सपोज़ मुझे यहाँ पे जब ये खुल रहा है तो मुझे एक अलग से इफ़ेक्ट दिखाना है खुलते के साथ, या फिर जब ये शाहरुख खान बाहर आए फिर एक एनिमेशन दिखाना है लगभग यहाँ से,
पहले जूम करके, अब आपको क्रॉप नहीं कट करना है, तो मैंने एक हाँ यहाँ क्लिक किया, ठीक है, लेकिन अब ये क्लिप अलग बनी चुकी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी एडिटिंग करो तो सॉन्ग को हमेशा अलग कर दिया करो, क्योंकि नहीं तो सॉन्ग भी आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसको हाँ हमेशा सॉन्ग अलग से निकाल के उसको डाला करो लास्ट में, ठीक है। इसको भी मैंने अनलिंक किया, सॉन्ग को डिलीट किया। अब यहाँ से कहाँ तक दिखाना है ये इफेक्ट, सपोज यहाँ तक इफेक्ट दिखाना है, ठीक है, तो मैंने वापस से ये बार क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, ये सेपरेट क्लिक हो चुकी है। अब मैं कोई भी इफेक्ट डालूंगा तो सिर्फ इसी पे ही अप्लाई होगा वो, ठीक है, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो जैसे मैं लेता हूँ, मान लो यहाँ से कन्वेंशनेशन कर्नल ये ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये देखो तो सिर्फ यहाँ आएगा। अब यहाँ मैं इसकी सेटिंग बात हूँ, इस तरीके से ठीक है। तो अलग अलग क्लिप बना के आप सिंपली डाल सकते हो, क्लियर। तो अभी इस वाले को अच्छे ट्राई करो, फिर मैं इसी का यूज़ करके कल आपको एनिमेशन और अच्छे से बताता हूँ कैसे आपको एनिमेट करनी है बेसिकली, ठीक है। तो अभी आपने जस्ट एडजस्टमेंट वाला यूज़ करना, ओके, कलर करेक्शन का, बाकी और भी हैं, कलर करेक्शन भी हैं, लेकिन कुछ आपको पता नहीं चलेंगे ना तो मुझे बतानी पड़ेंगी वो, इसलिए कलर करेक्शन तो है ही है इंपॉर्टेंट। जब हम फोटोशूट करेंगे या कुछ वीडियो लेंगे, डल है कहीं कहीं, उसमें कलर करेक्शन करना, ब्राइटनेस बढ़ाना, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। बाकी और भी इफेक्ट्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट्स वगैरह हैं, वो भी आप यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं वो चीज़ें भी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और कीजिए इसको।